जाने का तो हमारे प्रोड्यूसर हमारे यहाँ रिक्वेस्ट स्टाफ मेंबर उन्होंने बहुत मेहनत की आपको हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वक्त हमें टाउन देकर इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में भरपूर टाउन दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे फीमेल ऑफिशियल बहुत मेहनत से इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने का हमें अपना पूरा टाउन इन बच्चों को देना चाहिए क्योंकि बच्चे ही हमारे फ्यूचर है। बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए क्योंकि बाद में आने वाले हम बढ़ जाएगा और वो चाहते हैं कि इनसे आगे जाके इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इन बच्चों से भी आके अरे कौम का दुआ मनवा कौम की खिदमत के लिए आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में। के लिए काम कर रहे हैं तो हर कोई चाहता है कि एक इंसान फिजिकली मेंटली इसकी फिजिकल मेंटल सोशल डेवलपमेंट करने का मेन प्लेटफॉर्म करता है। फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर काम करता है और भी सबसे बड़ी चीज आज के हमारी सोसाइटी में एक ड्रग एडिक्शन का बहुत बड़ी बवाल हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है। यूथ एडिक्शन बहुत हमारे बच्चे को जनरल एजुकेशन के साथ साथ में इन विनर्स टीम के लिए आपको इन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए आपकी सर गवर्नमेंट हाई स्कूल गोमा करगिल और बाकी जितने भी हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं हेडमास्टर साहिबान हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के डिप्यूटी ऑफिशियल साहिबान स्कूल के इंचार्ज साहिबान और अस्सलाम वालेकुम और सभी का मैं जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर करगिल की जानिब से स्वागत करता हूँ। बच्चे आप लोग थोड़ा सा खड़े रहेंगे अभी यहाँ पर राष्ट्रीय गान होगा स्टैंड अप। पार्ट ऑफ एजुकेशन बन चुका है खूबसूरत शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ बच्चों को एक स्वावलंबी को बढ़ावा देने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के सभी ऑफिसर्स जहां जहां तैनात हैं।
आप सभी को पता चलेगा बिहार एक खेल मुकाबला जैसे कि एक फाइनल मुकाबले की तरह ही होगा जैसा पर दो दिन में कहा और तो वैसा ही शुरू कर दे और इस खेल को शुरू कर दे गौरव में एक बहुत बेहतरीन खेल मुकाबला यहां खेलेंगे और हमारे विद्यार्थी और बाकी जो यहां पे मौजूद हमारे केमिस्ट्री है वो सब इस गेम से युद्ध पर लोगे सभी बच्चों के अंदर जो उत्साह और जो मेरा हम सबको मिल रहा है जैसे नतीजा है कि उन्होंने सोच कल्चर को स्कूल में जिंदा दिया है और तभी तो ये बच्चे इस प्लेटफॉर्म में यहाँ तक आए हैं और हमारी आशा और हमारी दुआ है कि स्पोर्ट्स के सेक्टर में उनके स्कूल और भी आगे बढ़े जिन जिन कोई ने अपने स्टाफ को कैलेंडर में जोड़ कर साल भर उन्होंने एक्टिव रखा है और उसी एक्टिविटीज का नतीजा है कई स्कूल आज रनर और विनर के रूप में यहाँ जोड़ कर चुके हैं हमारे बाकी जो टीचर्स ने भी बहुत चेक किए लोग अपने वेरिफिकेशन स्कूलों पे दिखा रहे हैं जिस कारण हमारे जो मिडिल स्कूलों को जो आगे काम कर रहे हैं सारे गवर्नमेंट स्कूल जो है जिनके आगे है उनकी जो अचीवमेंट काफी एक्सेल होते जा रहे हैं काफी स्पोर्ट्स में वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं हालांकि उनकी अभी रेगुलरिटी नहीं है डिपार्टमेंट के अंदर दो तरीके से काम करते हैं लेकिन 10 से 4 तक के बच्चों के लिए वो लोग बच्चे बच्चों के लिए वो लोग काम करते हैं तो यदि मैं एक तरीके से आए बात की जितनी तारीफ करें कम है हम सबको मिलकर इसके लिए काम करना है इंशाल्लाह इन तरीके का जो सर्विस रेगुलरिटी है वो भी जल्दी हो पाए हम आशा करते हैं जब इतनी बड़ी हस्ती साथियों इम्तियाज साथियों आप सब जानते हैं तारीफ की कोई मोहताज नहीं है जेकेएस है रिसेंटली जो यूपी लद्दाख बना है यूपी लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेशन में ज्वाइंट डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन यूपी लद्दाख है जब इतनी बड़ी हस्ती हमारे बीच पहुंचते हैं तो हमारे मनोबल भी बढ़ते हैं और हमारे बच्चे और बच्चियों की मनोबल काफी उत्साहित होते हैं और जिस तरह से आपका स्वागत किया बच्चे और बच्चियों ने जो जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं उनको हम समाज से देखते हैं तो उनका जो डिसिप्लिन है उनकी बिहेवियर है वो एक अलग सी हो जाती है यानी स्पोर्ट्स एक एक आम इंसान को साल भर तक जाते रहते हैं चाहे वो स्कूल लेवल पे हो चाहे वो ओपन टूर्नामेंट हो अच्छा बयान अभी तक का बहुत अच्छा चल रही है इस दिनों मैच में अपना जो दबाव है बराबरी पर जाने में कामयाब जरूर हुआ है उसके अभी बोला आप लोग देखना होगा इसको यहाँ एक है
से बाहर अब एक इशारा करते हुए मित्री अफ्ताब हुसैन के द्वारा टीम गेम है और यही चीजें सीखते हैं बच्चे टीम वर्क कैसे करें किसी भी काम का सफर करने के लिए जब टीचर का काम कुछ गुरुओं पे काम करते हैं तो बच्चे सब के अंदर चुनौती कम्प्लेक्स होता है या बच्चे कुछ बड़े और उसको जल्दी से पकड़ लिया और स्पेशल ने किस तरह से प्लेस करने से सारा पानी से काबिल किया गया साथ ही साथ डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार के लम्हे अब खत्म होने आ रहा है। ऑर्गेनाइजर साहिबान से गुजारिश है आप इनको सीक्वेंस में बिठा दें ताकि हमारा जो प्रेजेंट धूप की शिद्दत नहीं है बहुत ही खुशगवार मौसम है और एक बहुत ही खुशगवार मौसम में हमारा ये जो तकरीब है आगे बढ़ रहा है काट दिया है क्योंकि हमारे वीआईपी का भी काफ़ी बिजी शेड्यूल है इसलिए जो टूर्नामेंट की ब्रीफ हमने किया है तकरीबन 9 हायर सेकेंडरीज 17 हाई स्कूल्स और 26 मिडिल स्कूलों से कुल मिला के 2500 से ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइंट डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यूटी लद्दाख आप लोगों से खिताब होने के लिए मंच पे तशरीफ लाएंगे। मैं आई नाउ रिक्वेस्ट हमारे प्यारे दोस्त डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस स्पोर्ट्स ऑफिसर अब्दुल अली साहब जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस के ऑफिसर इब्राहिम शौकी साहब डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस के बाकी अहदेदारान बाकी हर स्कूल के साथ आए हुए साथीजा टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव्स और प्यारे बच्चों स्टूडेंट्स जो हर बहुत सारे प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल्स से आए हुए हैं इस प्रोग्राम में मुनक्कत हुए हैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये टूर्नामेंट सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है बिस्मिल्लाह अच्छी हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह भी अच्छी होगी बेशक क्योंकि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स काफ़ी सालों से हम देखते आ रहे हैं हर घड़ी कुछ ना कुछ हर महीने हर हफ्ते कोई ना कोई प्रोग्राम मुनाकिद करते जा रहे हैं उससे क्या होता है हमारे बच्चों की हौसला अफजाई तो हो ही रही है लेकिन उनकी जो एक कहते हैं स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है उसको बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत ज़रूरी है कि कहते हैं ना कि हम प्राइवेट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में कुछ नहीं होता वो उल्टा हो गया है वो पलट गया है क्योंकि हर स्कूल में एक फिजिकल एजुकेशन का टीचर है परमानेंट भी है रेवर खेल के भी इंगेजीज अपॉइंटीज हैं। रेवर खेल वाले हमें पता है काफ़ी अरसे से फॉलो करते जा रहे हैं कि कम ही तनख्वाह पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक रीऑर्गेनाइजेशन के बाद एक उनका एक इशू और आ गया था कि हमारे सर्विसेज का क्या हशर होगा उसकी आगे कैसे भरपाई होगी या पहले पुराना जो पॉलिसी था जो J&K के अंदर था उसको आगे अडॉप्ट किया जाएगा कि नहीं उसको आगे बढ़ाया जाएगा नहीं अब तो पता चला है एस्टेब्लिश हुआ है फैक्ट है कि ये पॉलिसी हम अडॉप्ट ऑलमोस्ट कर चुके हैं क्योंकि इनकी सर्विसेज आगे चलाए जा रहे हैं इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्कूल चलाना है परमानेंट जो टीचर्स हैं और फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स बहुत कम हैं लेकिन अब पूरे डिपार्टमेंट का एक ये आपको बताता चलूँ कि आबिद साहब की सरबराही में बहुत अच्छा चल रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो यूथ सर्विस का निज़ाम है और आपके जोन्स जो हैं उसमें भी बहुत अच्छे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं वो दिखता जा रहा है। ख़ुद तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका काम जो है वो खुद बताता है कि
कितना बढ़िया कितने अच्छे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं और परफॉर्मेंसेस कितना अच्छे हैं। वो कहते हैं अंग्रेजी में कि योर वर्ड्स योर वर्क स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यही बात साबित होती जा रही है। बहुत खुशी की बात है कि ये आपका टूर्नामेंट जो है स्कूल लेवल का वो एक अरसे से चल रहा है, 15 तारीख से शायद 16 तारीख से, और आज इख्तिताम हो रहा है। बहुत खुशी की बात है और मेरे जैसे अदना आदमी को इस स्टेज पे आने का मौका दिया आपने। शरफ बनने के लायक नहीं हूँ बेशक, आप लोगों की तरह एक आम आदमी हूँ। बहुत बड़ी हस्ती बोल रहे थे, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करते जा रहे हैं ज़िंदगी किस तरह हम अपने लाइफस्टाइल को अपने किरदार को इम्प्रूव कर सकें दिन ब दिन। आपके साथ शाना बजना शाना चलते जा रहे हैं, इसके लिए भी एक मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम खुद चाहते हैं हमारे बच्चे भी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। पढ़ाई तो होती जा रही है साथ साथ, क्लास में टीचर कान पकड़ के भी वैसे भी प्यार से भी सिखा के पढ़ा के रुझा के भी आगे बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन स्पोर्ट्स वाले फील्ड में डिसिप्लिन में ऐसा है कि हमें बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ेगा बच्चों को। कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं और टीचर्स से भी गुजारिश है, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के अहदेदारों से भी गुजारिश है कि उनको ज़्यादा इनक्रेज करें, पुश करें। कुछ लोग सामने आने से कतराते हैं, सोचते हैं ख़ासकर हमारे करगिल में सोचते हैं कि कहीं कोई डांट ना पड़ जाए, कोई बोले कि खेलबा ना हो जाए, कहीं शर्म वाली बात होगी, कोई स्कोर नहीं कर पाए या आउट हो गए जल्दी वगैरह वगैरह, हार गए जल्दी। हारना जीतना तो बात रखनी पड़ता, ज़रूरी ये है कि आप फिनिशिंग लाइन तक पहुँचें और अगले परफॉर्मेंस के लिए तैयारी करें, क्योंकि आपका हर परफॉर्मेंस आपके लिए एक टेस्ट है। आप खुद अपने आप से जीत रहे हो, कहते ना कि आई वॉन्ट टू बीट माई लास्ट परफॉर्मेंस। आपकी आपका कॉम्पिटिशन खुद के साथ है, दूसरों के साथ नहीं। क्योंकि छोटे मोटे कॉम्पिटिशन तो आपके स्कूल लेवल पे होते हैं, इससे ये आपको ज़िंदगी के लिए आगे जो चैलेंजेस आते हैं, जब मुश्किल आपके सामने आते हैं, उनको फेस करने के लिए एक टेस्ट एक ट्रेनिंग है। इन चीज़ों के लिए आपको तो प्रैक्टिस मिलती है, एग्ज़ाम फेस करने के लिए आपके पास सिलेबस है, लेकिन बाकी ज़िंदगी का जो सफ़र है उसमें जो इम्तहान आते हैं ना, उनका कोई सिलेबस नहीं होता। उन इन सब चीज़ों के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। खुशी खुशी खेलिए, पार्टिसिपेट कीजिए और हार जीत का फैसला होने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप घर जाके आपको ये लगेगा कि यार शुक्र है कम से कम मैं मुझे पार्टिसिपेट करने का, इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का एक मौका तो मिला, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कुछ ऐसे चैलेंजेड लोग भी हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा, लेकिन वो घर पे बैठे बैठे सोचते रह जाते हैं यार मेरे इस टैलेंट का हिडन टैलेंट का क्या होगा, कोई इनक्रेज नहीं कर रहा, कोई आगे बढ़ नहीं रहा, मुझे मैदान में उतरने के लिए कोशिश करने के लिए इनक्रेज करने के लिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग से आज के इस ग्रुप में ही देखा कि हरदास का सर लातो वगैरह से भी स्टूडेंट्स प्लेयर्स बहुत अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। पहले हम देखते थे कि बैडमिंटन वगैरह में बहुत अच्छा जा रहे हैं, बहुत वो लड़कियाँ खासकर बहुत अच्छा बैडमिंटन खेले थे। आज तो पता चला हर गेम ही आगे निकल गए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने पढ़ाई साथ अच्छे से रहेगी, लेकिन गेम्स से नजर नहीं हटनी चाहिए, इससे आपका किरदार बनता है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट आता है, एथलीट बनते हो, आप आर्मी में जा सकते हो, पुलिस में जा सकते हो, मतलब जैसे कहते हैं स्काई इज द लिमिट, हर फील्ड में घुस सकते हो। और ये भी मत भूलिएगा कि स्पोर्ट्स में ना आपके मार्क्स जो पॉइंट्स जो आते हैं स्कूल लेवल पे सर्टिफिकेट्स वगैरह वो बाद में काम भी आते हैं, कॉलेज में आपको स्पोर्ट्स वाले कोटा भी मिल जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस मेडिकल कॉलेजेस। और हम पहले हमारे जो 100 मीटर का जो स्प्रिंट्स हुआ था जिसमें हमारे ब्रॉन्ज सिल्वर और गोल्ड मेडलिस्ट ब्रॉन्ज मेडल शुजात अली मेडल को चिलचे, सिल्वर मेडलिस्ट राहत अली बॉयज मेडल स्कूल करगिल, राहत अली गोल्ड मेडलिस्ट इन 100 मीटर अंडर 14 बॉयज मोहम्मद बोरम मिडिल स्कूल जैसा से लिखे, डॉक्टर पायलट स्कूल गवर्नमेंट मॉडल मिडिल स्कूल जैसा से लिखे के मोहम्मद अली गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहा है। आई कॉन्ग्रेचुलेट हेडमास्टर मिडिल स्कूल जैसा एंड इन चार्ज ऑफ मिडिल स्कूल जैसा फॉर विनिंग गोल्ड मेडल इन दिस पार्टिकुलर अंडर 14 गर्ल्स ब्रॉन्ज मेडल आबिदा खान ऑफ जीएमएस करगिल,
गवर्नमेंट गाइडर स्कूल करगिल के आदिला खान ब्रॉन्ज मेडल जीतने में कामयाब रहा है अंडर 14 गर्ल्स 100 मीटर रेस में। सिल्वर मेडलिस्ट बेनजीर ऑफ मेडल स्कूल लातो अंडर 14 गर्ल्स 100 मीटर रेस गोल्ड मेडल साहिरा बानो जाफरी एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन लाहौर डिपार्टमेंट। अंडर 17 बॉयज 100 मीटर रेस ब्रॉन्ज मेडल इरफान नजीर ऑफ एजीएस अरकाबादुर। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन टू इरफान नजीर ऑफ एजीएस अरकाबादुर फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल इन अंडर 17 बॉयज 100 मीटर स्प्रिंट। सिल्वर मेडल अली मोहम्मद ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल फेयर। I also congratulate Mr. Ali of High School Puyen for winning silver medal in 100 meter sprint under 17 boys. Gold medalist Zahid Hussain of Muttari Public School High Department. Congratulations to Zahid Hussain of Muttari Public School High Department for winning gold medal in 100 meter sprint. Under 17 girls, bronze medalist सकीना बानो ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदास। कॉन्ग्रेचुलेशन टू सकीना बानो ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदास फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट अंडर 17 गर्ल्स। सिल्वर मेडलिस्ट जैफुन निशा ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल हरदास। ब्रॉन्ज एंड सिल्वर दोनों हाई स्कूल हरदास के सकीना और जैबुन ने जीता है जिसके लिए मैं हेड मास्टर और उनके सभी स्टाफ मेंबर को मुबारकबाद देना चाहूंगा। नाउ गोल्ड मेडलिस्ट अंजुम फातिमा ऑफ करगिल पब्लिक स्कूल करगिल। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू अंजुम फातिमा ऑफ करगिल पब्लिक स्कूल करगिल फॉर विनिंग गोल्ड मेडल इन 100 मीटर रेस। अंडर 19 बॉयज 100 मीटर स्प्रिंट ब्रॉन्ज मेडल मोहम्मद फयाज ऑफ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मोहम्मद फयाज ऑफ बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल इन 100 मीटर स्प्रिंट। सिल्वर मेडलिस्ट दोर्जे नमग्याल ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल अक्चमल। हायर सेकेंडरी स्कूल अक्चमल के दोर्जे नमग्याल दूसरा ले रहे कोई आके मुदस्सिर मुदस्सिर आप ले लो। नाउ गोल्ड मेडलिस्ट इन अंडर 19 100 मीटर स्प्रिंट स्तनजिन दावा मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल करगिल। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू स्तनजिन दावा मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल करगिल फॉर विनिंग गोल्ड मेडल इन 100 मीटर अंडर 19 बॉयज। अंडर 19 गर्ल्स इन अंडर 19 गर्ल्स 100 मीटर स्प्रिंट नासरीन फातिमा ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू नासरीन फातिमा ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल सिल्मो for winning bronze medal in under 19 girls 100 meter race. Silver medalist Nazira Bano of Girls High Secondary School Kargil. Hearty congratulations to Nazira Bano of Women Girls High Secondary School Kargil for winning silver medal in under 19 girls 100 meter race. Now gold medalist Shehnaz Batul of Girls High Secondary School Kargil again. Congratulations to Shehnaz Batul of Girls High Secondary School Kargil for winning gold medal in 100 meter girls. Now the team prize distributions. We are starting from under 14. Under 14 girls handball runner up trophy is saal ka government model middle school yathavashyak likhe. Party congratulations please aap log aaye in charge
टीम कैप्टन रनर अप ट्रॉफी और सर्टिफिकेट्स इनको दिया जा रहा है अंडर 14 गर्ल्स हैंडबॉल रनर अप ट्रॉफी रनर अप अंडर 14 गर्ल्स हैंडबॉल के विनर है मिडिल स्कूल लातो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल लातो इस साल का चैंपियन रहा है गर्ल्स हैंडबॉल में प्लीज इंचार्ज टीचर और कैप्टन ऑफ द टीम कम फॉरवर्ड एंड रिसीव मोमेंटो एंड सर्टिफिकेट्स फॉर अंडर 14 गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप अंडर 14 बॉयज हैंडबॉल रनर अप ट्रॉफी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोस्पुयर हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंचार्ज मिडिल स्कूल पुयन फॉर विनिंग रनर अप ट्रॉफी इन अंडर 14 बॉयज हैंडबॉल अंडर 17 गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट जिसका रनर अप ट्रॉफी किया है सवाब पब्लिक स्कूल बरू अंडर 17 गर्ल्स हैंडबॉल रनर अप ट्रॉफी सवाब पब्लिक स्कूल बरू इंचार्ज टीचर एंड टीम कैप्टन प्लीज कम एंड रिसीव रनर अप ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट्स अंडर 14 बॉयज हैंडबॉल विनिंग ट्रॉफी मॉडल मिडिल स्कूल व्यथम शिलिक्चे अंडर 17 गर्ल्स हैंडबॉल विनिंग ट्रॉफी गोज टू अंडर 17 गर्ल्स हैंडबॉल विनिंग ट्रॉफी गवर्नमेंट हाई स्कूल गमा करगिल हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू हेडमास्टर हाई स्कूल गमा करगिल फॉर विनिंग गर्ल्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 अंडर 17 बॉयज हैंडबॉल रनर अप ट्रॉफी सवाब पब्लिक स्कूल बरू वंस अगेन हैंडबॉल में फिर से रनर अप ट्रॉफी जीतने में कामयाब सवाब पब्लिक स्कूल बरू अंडर 17 बॉयज हैंडबॉल विनिंग ट्रॉफी गोज टू मुतारी पब्लिक स्कूल बरू अंडर 17 बॉयज हैंडबॉल विनिंग ट्रॉफी क्लिंच्ड बाय मुतारी पब्लिक स्कूल बरू इंचार्ज टीचर एंड टीम कैप्टन प्लीज कम एंड रिसीव योर विनिंग ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट अंडर 19 गर्ल्स हैंडबॉल रनर अप ट्रॉफी गोज टू गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल इंचार्ज टीचर टीम कैप्टन प्लीज कम फॉरवर्ड एंड रिसीव योर ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट फ्रॉम आवर चीफ गेस्ट अंडर 19 गर्ल्स हैंडबॉल विनिंग ट्रॉफी गोज टू मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल करगिल अंडर 19 अंडर 19 बॉयज हैंडबॉल विनिंग ट्रॉफी गोज टू वंस अगेन मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल करगिल बॉयज हायर सेकेंडरी अंडर 19 बॉयज हैंडबॉल रनर अप ट्रॉफी गोज टू बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन टू प्रिंसिपल बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल करगिल फॉर विनिंग रनर अप ट्रॉफी इन दिस टूर्नामेंट विनिंग ट्रॉफी गोज टू मुंशी हबीबुल्ला मिशन स्कूल करगिल इंचार्ज टीचर एंड टीम कैप्टन प्लीज कम नाउ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वॉलीबॉल अंडर 14 गर्ल्स वॉलीबॉल रनर अप ट्रॉफी क्लिंच बाय गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बागे खुमेरी अंडर 14 गर्ल्स वॉलीबॉल विनिंग ट्रॉफी क्लिंच बाय जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल इंचार्ज टीचर एंड टीम कैप्टन प्लीज कम एंड रिसीव योर विनिंग ट्रॉफी फ्रॉम आवर चीफ गेस्ट अंडर 14 बॉयज वॉलीबॉल रनर अप ट्रॉफी गोज टू जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन करगिल अंडर 14 बॉयज वॉलीबॉल अंडर 14 बॉयज वॉलीबॉल
winning trophy goes to Islamia Public School, Apati. Hearty congratulations to Principal Islamia Public School, Apati, for winning champion trophy of Under 14 Boys Volleyball 2023. Under 17 Girls Volleyball. Runner-up trophy goes to Army Goodwill School, Harka Bahadur. Under 17 Girls Volleyball. Winning trophy goes to Mutari Public School, Kurbathang. Mutari Public School High Department, Kurbathang, Kargil. Hearty congratulations to in charge Mutari Public School, Kurbathang, for winning Under 17 Girls Volleyball Championship 2023. Under 17 Boys Volleyball, runner-up trophy goes to Mutari Public School, Baru. Under 17 category, Boys Volleyball,